नमस्कार बच्चों, मेरा नाम श्वेता है और आज हम हिंदी का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। पहले पाठ में हम चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला चित्र। अभी आप सबको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, उस चित्र को ध्यान से देखो और मुझे बताओ चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो चलो देखते हैं बच्चों ने क्या क्या बातचीत की। आरती कह रही है, दीदी मुझे एक हाथी सूंड ऊंचा करते हुए दिखाई दे रहा है। विपुल ने कहा, पॉपकॉर्न बेचने वाले चाचा अपने हाथों में पॉपकॉर्न का डब्बा पकड़कर नाच रहे हैं। विद्या ने कहा, एक बच्चा उछाल पट पर कूद रहा है, यह दिखाई दे रहा है। रोहित ने कहा, दीदी मुझे अलग अलग रंग के ढेर सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। पायल ने कहा, तीन टेंट दिखाई दे रहे हैं। विकास ने कहा, एक आदमी गुब्बारे हाथ में पकड़कर उड़ते हुए दिख रहा है। अरे वाह बच्चों, तुम सब बहुत ध्यानपूर्वक चित्र देख रहे हो। अब मेरा दूसरा सवाल है, आप सबको यह चित्र किस घटना की लग रही है? विपुल कह रहा है, दीदी यह तो मेले का चित्र है। विपुल तुमने एकदम सही पहचाना है। अब मेरा एक और सवाल है, अच्छा तो कौन मेले के यात्रा का अपना अनुभव बताना चाहेगा? बच्चे, दीदी मैं ऐसे सारे बच्चों ने हाथ ऊंचा करके बोला। उस पर दीदी क्या बोलती है देखते हैं। दीदी बोलती है, अरे वाह सारे बच्चे अपना अनुभव बताने के लिए इच्छुक है, इस बार हम उन्हें बोलने का मौका देते हैं जिन्हें अभी तक एक बार भी बोलने का मौका नहीं मिला, चलेगा बच्चों? बच्चे कह रहे हैं, हाँ दीदी। दीदी कहती है, पूजा तुम बताओ अपना अनुभव, सारे बच्चों ध्यान से सुनना। पूजा अपना अनुभव बताना शुरू करती है। पूजा कहती है, मेरे प्यारे दोस्तों आओ चलो मेले की सैर करें। यहाँ पे आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, यह उस मेले का चित्र है जिस मेले में पूजा गई थी। पूजा बताती है, दोस्तों मैं गर्मी के दिनों में मई महीने में मेरे दादा दादी से मिलने सतारा गई थी। दादा दादी मुझे मिले, मेले की सैर करने ले गए। मेले के गेट पर एक बड़े आकार में सुस्वागत ये शब्द लिखा था। वही बगल में एक टिकट घर भी था। एक दीदी टिकट निकालने बैठी थी, मैंने हम तीनों का टिकट निकाला। अगर आप यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है ना उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑरेंज रंग में सुस्वागत ये शब्द लिखा हुआ दिखेगा। यह उस मेले का गेट है और उसके बगल में ही एक पीला रंग दिखेगा, उसके ऊपर टिकट लिखा हुआ दिखेगा, जहाँ पे एक छोटी बच्ची एक दीदी से टिकट खरीदते हुए दिखेगी। अंदर जाते ही मुझे ढेर सारे रंगी बिरंगी गुब्बारे दिखाई दिए, बहुत बड़े झूले, बड़ी नाव, ब्रेक डांस वाली सवारी, नकली घोड़े लगाई हुई गोल गोल घूमने वाली सवारी, ये सब देखना मुझे आश्चर्यजनक लगा। आगे पूजा बताती है, कुछ बच्चे सवारी में बैठकर आनंद लूट रहे थे, कुछ बच्चे खिलौने खरीदने में व्यस्त थे, कुछ बच्चे पॉपकॉर्न, पानी पूरी, वड़ा पाव, दाबेली, समोसा आदि स्नैक्स खा खुश थे। अगर आप यह चित्र देखोगे तो यहाँ पे आपको पीले रंग के ऊपर
काले रंग से स्नैक्स ये शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके सामने ही कुछ बच्चे खाना खाने का आनंद ले रहे हैं, तो कुछ बच्चे सवारी में बैठकर खुश है। लेकिन मैंने तो पहले पॉपकॉर्न खाया और गुब्बारे खरीदे, फिर मैंने घोड़े लगाई हुई गोल गोल घूमने वाली सवारी पर बैठने का आनंद लिया। बड़े झूले, बड़ी नाव, ब्रेक डांस वाली सवारी आदि सवारी पर बैठने से मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं उन पर बैठी नहीं। मैंने मेले में खिलौने के बहुत सारे दुकान थे। मुझे सुपरमैन पसंद है, इसलिए मैंने सुपरमैन का खिलौना खरीदा। अगर आप यह चित्र देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे बहुत सारे दुकानें, और उन दुकान पर कुछ औरतें, कुछ बच्चे खरीदारी कर रहे हैं। दादा दादी ने मुझे स्नैक्स बेचने वाले चाचा चाची को उनके व्यवसाय के सुख दुख के बारे में बातचीत करने का कार्य दिया। जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे पता चला कि कुछ ग्राहक स्नैक्स खाकर कचरा कूड़ादान में नहीं डालते, वे कचरा उनके स्टॉल के आसपास फेंकते हैं, जिसके कारण वहाँ दुर्गंधि फैलती है, मक्खियाँ आती हैं। उन चाचा चाची को बार बार स्टॉल के आसपास का कचरा साफ करना पड़ता है। कभी कभी स्नैक्स बचता है तो कुछ घंटों में खराब होता है। ऐसा अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उनकी पैसे की कमाई बहुत कम होती है। हर दिन की कमाई पर उनका जैसे तैसे गुजारा होता है। वे बहुत मेहनत करते हैं, ग्राहक से प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब कुछ घमंडी लोग उनका अनादर करते हैं तब उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन जब उन्होंने बनाया नाश्ता पेट भर खाकर आनंदित होते हैं तब उन्हें खुशी मिलती है। जब कोई उनसे सम्मान से और प्यार से बात करता है तब उन्हें अच्छा लगता है। उनसे बातचीत करते करते कैसे वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत देर होने के कारण हम सब घर लौट आए। आप सब ने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसलिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।